सुबह सुबह निकल रहे हैं आगे, जैसे कि बताता कि रात को हम रुके थे फिरोजपुर भाई। फिरोजपुर में जो होटल था वो मैं दिखा देता हूँ आपको। फिरोजपुर में था ये अलीजा होटल, ये वन ऑफ द बेस्ट होटल है यहाँ का, और बिल्कुल ऑन हाईवे है, बिल्कुल रोड पर ही है, मेन चौक पर। तो कभी भी आए तो आप यहाँ रुक सकते हैं। और भाई बस अब आप निकलते हैं मार्केट, पहले नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर मिलेंगे आपसे आगे। तो भाई ये गाड़ी हमारी तैयार हो चुकी है भाई। आज कहाँ का टूर है हमारा, कहाँ दिखाओगे, क्या मिलवाओगे, आज कहाँ पहुँचाओगे? कांगड़ा सुनील भाई, बहुत लंबा टूर है, अभी हम लोग जा रहे हैं लुधियाना। लुधियाना थोड़ा काम करेंगे, लुधियाना आपको दिखाएंगे, अभी फिरोजपुर से लुधियाना जाएंगे, उसके बाद हम लुधियाना थोड़ा काम करेंगे, मार्केट भी आपको दिखाएंगे, फिर वहाँ से ऊना हम लोग निकलेंगे, ऊना की मार्केट करेंगे। लंबा टूर है, उसके बाद हम लोग जाएंगे कांगड़ा, और कांगड़ा जाएंगे हम धर्मशाला। नहीं यार, कांगड़ा जाके भांगड़ा, तो देखते हैं कांगड़ा में स्टे करेंगे या धर्मशाला में करेंगे वो। भाई मुझे उम्मीद है कि कांगड़ा पे रुकना पड़ेगा, टूर है इतना पता, इसलिए टाइम से निकल के 8 अभी बज चुके मॉर्निंग के, तो फटाफट निकल भाई। ऑलमोस्ट पूरा हिमाचल घुमाना है आज, मतलब इस टूर पे ने सारे बंदों को। हाँ जी रमजानी जी, हिमाचल पूरा घुमाना है आज, छोड़ना नहीं है, पूरी मनाली वाली बेल्ट, शिमला वाली बेल्ट सारी घुमानी है, बिल्कुल। और कांगड़ा में भांगड़ा मत करना बिल्कुल भी। भाई तो सुबह 8 बजे हम लोग निकल चुके हैं और मोगा पहुंच चुके हैं, और देखो भाई बादल ही बादल। हेलो, बादलों के मजे ले रहे हो? आगे बैठ के तुम पता नहीं भाई, ये बादलों के मजे ले रहे हैं, हमें बिठा रखा पीछे और खा रहे हैं नमकीन और बिस्कुट, क्योंकि नाश्ता तो भाई मिला नहीं हमें कुछ, क्या करें भाई, नाश्ता मिल ही नहीं रहा, क्या करें, मोगा में मिल जाए तो मिल जाए। 10 बजे से पहले आंखों कोई खोलता ही नहीं, क्या करें, क्या नहीं खोलता, अपनी दुकान है और क्या जी। बिना नाश्ता किए गाड़ी चला रहे हैं बहुत तेजी से, क्योंकि इन्होंने पी रखी है 6 सिगरेटे, उनकी पावर आई हुई है इसमें। तो ये देसी ढाबे की चाय पिलाते हैं आज हम आपको, बिल्कुल देसी ढाबा चाय, गुड़ वाली। हेलो जी, हाँ जी, खाट पे बैठ के चाय पियोगे और साथ में क्या लोगे, साथ में क्या लोगे तुम, पानी में नहाओ, मैं तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ भाई। देखते हैं यहाँ पर नाश्ता क्या मिलता है, बाकी गुड़ वाली चाय पिलाएंगे अब आपको। डाल दिया कूट के, लग रहे हो बिल्कुल आईबी के, ओ जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का कोई। तो ये मांगने आए यहाँ पर पैसे, कितने पैसे मांगे तुमने यहाँ से? रुपए। अच्छा कितने रुपए मांगे, वीडियो बना लो। 3 लाख रुपए बताओ, 3 लाख रुपए मांगे, लेकिन ये 3 लाख देने के लिए तैयार हो रहे हैं, ये लाख रुपए की बात नहीं सुन रहे। ये आ गई है इनके पास गुड़ वाली चाय, ये देखो जी। हाँ जी, कुछ मजा सा आया पी के? कह रहे नहीं मजा आया, या बहुत मजा आया, ये भी हो सकता है, नहीं आया। अदरक नहीं डाली इसमें, अदरक डाली है, डाली है। चलो जी कोई नहीं, सुबह स्टार्ट दोबारा से, और हम जाएंगे अब लुधियाना। और क्या भाई, तुमने गुड़ वाली चाय पी ली, क्या करें? हाँ जी, तुमने भी पी ली गुड़ वाली चाय? हाँ जी पी ली, सबने गुड़ वाली चाय पी ली। चलो जी गाड़ी करो स्टार्ट। चलो जी, जय श्री राम। चलो जी, चलो एंड्रॉइड चालू हो गया है और इन्होंने बिस्कुट फिर से खा लिया है, ये बिस्कुट पे ले जा रहे हैं सुबह से। चलो जी चले। वाह वाह भाई, क्या बारिश का मौसम हो रहा है, बादल ही बादल, और बादलों को चीरते हुए हमारी गाड़ी जा रही है सीधा हिमाचल की तरफ। ये बीच में डंडे से कैसे आ रहे हैं यार, ये मेरा लगता है मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो गई, ये बीच में डंडे से आते हैं, जैसे मोबाइल में लगता वो गाड़ी के, अरे गाड़ी के वाइपर है यार। और पहुंच गए हम लोग मलार रोड लुधियाना। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की मार्केट है लुधियाना में, ये मलार रोड की, बहुत ही अच्छा प्रीमियम और पॉश एरिया में आता है। और अब हम यहाँ भोपाल में आ गए हैं, जहाँ हम करेंगे ब्रेकफास्ट। ये देखिए गाड़ी हमने खड़ी कर दी साइड में, और ब्रेकफास्ट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये देख लीजिए मार्केट यहाँ की, मेरा टाइम ज्यादा जाएगा क्योंकि जाना दूर है, तो बस चलते हैं जी और करते हैं ब्रेकफास्ट। पास्ता क्या क्या बनेगा भाई यहाँ पर? पास्ता, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, सब यहाँ तैयार होते हैं, और ये उसकी सारी ऑलरेडी पहले प्रिपेयर करके रखते हो, ठीक है भाई। अभी हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए यहाँ पर, तो अभी हम लोग मंगाएंगे इडली, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है यहाँ। ये देखिए भाई, मैं तो यार इडली खाऊंगा। हाँ तो ऑर्डर करो बाकी। ये देखो भाई बिल्कुल फ्रेश बढ़िया, ये इडली की चटनी बनी हुई है भाई, ठीक है ऑर्डर करते हैं और फिर दिखाते हैं क्या। ये है गोपाल्स, पंजाब का फेमस गोपाल्स स्वीट्स। तो आज हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए, मुझे लग रहा है अभी यहाँ पर तैयारी पूरी नहीं है। हाँ तो ऑर्डर हमने कर दिया इडली
बड़ा और एक एज यूजुअल छोला भटूरा। भाई क्या करें, वही खाते हैं। हमारा लफड़ा बिल्कुल क्लियर है। आज भी नहीं, नहीं मैं तो इडली खाऊंगा। आपा तो इडली खाते हैं, आपा इडली खाते हैं, समझ गए। ये लो जी, आ गया बड़ा इडली सांभर, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत ही सॉफ्ट इडली है। और ये मंगाया है हम लोगों ने पूरी छोले सब्जी आलू की। भाई ये पूरी कम लग रही है, ये भूले हुए गोलगप्पे ज्यादा लग रहे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रिपरेशन है यार इनकी, मानना पड़ेगा। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मेरे को तो जो अभी इडली खा के देखी है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी, हल्दीराम से बेटर है। चलो भाई पहुंच गए हम लोग फगवाड़ा, और फगवाड़ा से हम कटेंगे ऊना के लिए। ये देखो जी, ये अलग ही शौक है थार का ना, थार में मोटे मोटे तट टायर लगवा दिए, बताओ क्या फायदा इस चीज का, कोई तरीका है ये? पर चलो कोई बात नहीं, यहीं से मुड़ेंगे ना भाई हम ऊना के लिए। अब और हम जाएंगे रोपड़ होते हुए। वाह भाई वाह, कहाँ से कहाँ रास्ते घुसेड़ देते हैं ये। कुछ कहना चाहोगे? नहीं कहना चाहोगे, कहना भी मत। हेलो, देख लो भाई आपको धुआं धुआं जो दिख रहा है ये बादल ही है। बादल आ चुके नीचे, बिल्कुल भी हाइट नहीं है, बहुत हाइट है, लेकिन बारिश की वजह से बादल आ गए नीचे। बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे, देखो वो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे नीचे कोई अंगीठी चल रही हो। बाकी अब मेरे पास कुछ नहीं भैया। और ये आगे बढ़ती है वीडियो भाई, बहुत बढ़िया। भाई गाना जैसा कि आपने अभी गाना सुना है? गाना गा रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी, और संगीत के बोल थे रितेश शर्मा के। और अब हम गाड़ी घुमाएंगे और साथ साथ जाएंगे इस नदी के, तो मिलते हैं आपको आगे गाने के अंदर। नहीं पौवा तो वही छोड़ दिया मैंने, लेकिन पानी है वो पी लिया। जैसा कि आपने देखा दारू पी के गाड़ी चलाई, दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं ये महाराज, और हम इनको मना कर रहे हैं। इन्होंने एक पौवा पी चुके हैं और इतनी पहाड़ियों में गाड़ी चला रहे हैं, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो कैसी लगी हमारी एक्टिंग, बताओ जी? एक्टिंग और ज्यादा बढ़िया एक्टिंग ना, पहाड़ियों को पहाड़ी के बीच और इधर भी भाई पहाड़ों के बीच में है, बिल्कुल वैली में। तो भाई एक बार फिर से पहुंच गए हम लोग ऊना, और ये देख लीजिए ये है ऊना का मेन मार्केट। तो भाई यहाँ हम लोग को थोड़ा करना है काम आधे घंटे का, और भाई फिर उसके बाद खाना खा के, हम सबसे पहले तो सोच रहे थे खाना खाएं, लेकिन भाई खाना यहाँ पर अभी कुछ दिखा नहीं, तो हमने कहा चलो काम ही कर लिया जाए, काम करके आगे फिर देखेंगे कुछ खाने के लिए। तो ये देखिए भाई ऊना। तो भाई गाड़ी लगाई है पार्किंग में पेट्रोल पंप के बराबर में, क्योंकि वहां जगह नहीं थी। तो अब आगे जाएंगे भाई, हम करेंगे लंच। हमें दिखा है श्री गुरु नानक ढाबा, तो भाई देखते हैं, प्योर वेज ढाबा लग रहा है, देखते हैं क्या मिलता है। भाई कराते हैं बढ़िया सा डिनर या फिर लंच या फिर ब्रेकफास्ट, पर भाई कहाँ टाइम है लंच का, तो आपको करेंगे लंच। चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या मिलना है इसके पास। अमृतसरी नान वगैरह सब कुछ है, जिसका खाने का मन भी है तो आज यही खाएंगे। लो जी लो, चलते हैं भाई अंदर और खाएंगे। तो भाई होटल में खाना खाने बैठे और हमें ध्यान नहीं रहा, बातों बातों में हम लोगों का ध्यान नहीं रहा कि खाना दिखाएं आपको। तो भाई उसके बाद बस हम लोग, इन्होंने हमें बातों में लगा लिया, खाना हमने खाया है और बाहर निकला है। और अब हम लोग जा रहे हैं ऊना से कांगड़ा की तरफ, क्योंकि भाई हमें कांगड़ा जाना है, कांगड़ा में हमें काम है। तो कुछ बोलना चाहोगे? नहीं बोलना चाहोगे? चलो कुछ नहीं बोलना चाह रही है, और ये पीछे वाले भी कुछ नहीं बोलना चाह रहे, ये भी बैठे हुए हैं, क्योंकि बोलने के लिए बहुत है और इनका मुंह आज मुंह में नहीं है। तो भाई ये देख लो, अब हम लोग निकल चुके हैं बहुत तेजी से कांगड़ा की तरफ ऊना से। ये सारी गाड़ियां जा रही हैं ऊना, और रास्ता है पूरा पहाड़ों वाला, तो मस्त रास्ता, बढ़िया बढ़िया मौसम, बारिश का नामो निशान नहीं है और ना ही सूरज का नामो निशान है, मौसम बड़ा बढ़िया हो रहा है। तो भाई अब यहाँ से निकल चुके हैं। हाँ जी कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, बोलूंगा। अच्छा बोलोगे? ये कह रहे हैं बोलोगे, उससे पहले मैंने कर दिया। चलो चलो बोलो, बोलो जी। तो भाई कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो भाई तो बताओ तो सही, बोलना है कि नहीं बोलना है? क्या बोलना है तो बताओ, ये तो बताओ कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है? अच्छा चलो बोलो, कांगड़ा जा रहे हैं। अच्छा बोलो तो फिर, कांगड़ा जाएंगे वहां तो कुछ बोलो तो सही, फिर बात तो। हाँ जी तुम भी बोलो,
हाँ जी क्या बोलो? अच्छा तुम बोलो यार, कोई बात नहीं, बोलो जी। अच्छा नहीं तुम बोलो, तुम बोलो। चलो छोड़ो यार, आगे देखते हैं। बहुत मस्त रोड है, ऐसे ही देखो। कांगड़ा गए नहीं क्या तुम कभी? कांगड़ा गए नहीं यार, मेरे साथ ही है। भूल गए भाई, बहुत मस्त रोड है। ऐसी रोड चलेगी कांगड़ा तक? गाड़ी चलेगी रोड तो ये कह रहे हैं, गाड़ी चलेगी रोड नहीं चलेगी। तो चलो ठीक है, कुछ ना कुछ चलेगा। वाह भाई देखो, ये ऊना से जा रहे हैं हम कांगड़ा, और क्या छोटे छोटे गांव, कितने बढ़िया ग्रीनरी ग्रीनरी। ये देखने के बाद ना हमें लगता है कि यार हम दिल्ली में बकवास जगह पे रह रहे हैं। ओए ओए ओए, बहुत बेहतरीन रास्ता। बोलो बोलो। ये लो जी, एक और बेहतरीन रास्ता सुन भाई, ऊना से कांगड़ा के लिए। ये देखो, ये रास्ता थोड़ा सा ऑफ रोड है। ऑफ रोड भी नहीं बोल सकते, रोड तो अच्छा ही है, लेकिन जो मेन हाईवे ना उसको छोड़ते हुए जो अंदर का हाईवे हुआ करता था वो है। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि गांवों के बीच में से जा रहा है। जो यहाँ बसे हुए ना घर, उनके बीच में से जाता है, कॉलोनी के बीच में। देखने लायक जगह है, दोनों तरफ ग्रीनरी, दोनों तरफ ग्रीनरी, छोटा सा रास्ता, आगे गाड़ियां गाड़ियां। इसी रास्ते को हम एंजॉय करते हुए पहुंचेंगे अभी कांगड़ा, और कांगड़ा से करेंगे बांगड़ा, और बांगड़ा करके आगे पहुंचेंगे। ये आ गया बगलामुखी धाम मंदिर। बहुत ही सिद्ध पीठ है ये। लो जी, नीचे भी नहीं, मतलब शीशा भी नीचे नहीं, वो इतना आलस। लो जी बगलामुखी मंदिर के दर्शन कर लो जी, यहीं से दिखा देते हैं आपको। तो फ्रेंड्स कर लो बगलामुखी मंदिर के दर्शन, सिद्ध पीठ है। जैसा कि आपको पता ही है कांगड़ा देवभूमि है, तो भाई यहाँ पर ये जो बगलामुखी मंदिर है ये पूरे ही इंडिया में फेमस है, और लोग यह देखिए यहाँ पर आए हुए। बस अब हम लोग चलते हैं आगे और मिलते हैं आपको कांगड़ा में। आपके आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करता है भाई। कांगड़ा में एंट्री कर चुके हम लोग भाई। हाँ। आप क्या बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, पहाड़ दिखाओ, ग्रीनरी दिखाओ, ग्रीनरी ग्रीनरी सामने है बिल्कुल। स्कूटर दिखाओ भाई, यहाँ देखो स्कूटर भी चलते हैं। अभी कांगड़ा की मार्केट भी दिखाएंगे, देखो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ कांगड़ा जाता है धर्मशाला। देख लो पहुंची गए ना फिर, मैं तो कह था यार कांगड़ा पहुंच जाओगे, और सही टाइम पे पहुंची, 5:30 बजे के आसपास, 5:22 पे पहुंची, बिल्कुल राइट टाइम। और ये होगी मार्केट शुरू भाई आज। वैसे हम टाइम भीड़ लग रही है वैसे, लेकिन मंदिर का रास्ता पीछे कट गया। मॉर्निंग से हम टाइम पे थे, टाइम से निकले, टाइम से हर जगह पहुंचे हैं, तो अभी तो चलते हैं भाई गाड़ी चलानी है। हाँ चलने पड़ेगा भाई आगे थोड़ा सा, चलो काम निपट गया हमारा। धर्मशाला जा रहे हैं अब हम लोग कांगड़ा का काम निपटाने के बाद, और ये रास्ता जाता है सीधा धर्मशाला। और ये प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो अच्छी है, देख लेते हैं भाई क्या है। कांगड़ा से हम लोग जा रहे हैं धर्मशाला, और ये देखिए ये रास्ता है, और यहाँ बहुत ही सुंदर एक मंदिर पड़ा है। ये देखिए कितना अच्छा मंदिर है, गंग भैरव, जय श्री राम मंदिर। और ये देखिए यहाँ बहुत ही अच्छा इन्होंने एक कुंड बनाया हुआ है, तालाब, वो सामने देखिए मंदिर। तो ये देखने में इतना बढ़िया लग रहा है कि मन करता है कि यहाँ कम से कम आधा एक घंटा रुका जाए, पर थोड़ा टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम सिर्फ हाथ जोड़ के यहाँ से निकल रहे हैं। पर अगर यहाँ बैठे हैं और आराम करें तो बहुत ही बढ़िया मंदिर है भाई। देखो आपको भी लगा होगा, देख रहा होगा कि कितना अच्छा माहौल है यहाँ, कितना शांत वातावरण है, और साथ में ये रोड जा रही है। तो भाई वाह, पहाड़ों में एक से एक बढ़िया आपको दृश्य देखने को मिलते हैं, और खासकर ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। मंदिर कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने के, मजा आ गया। गंग भैरव टेम्पल इसको बोलते हैं, बिल्कुल धर्मशाला के जो रास्ता है उसी पर है ये। तो भाई रास्ता देखो कितना बढ़िया है, मैकलोडगंज और धर्मशाला जाने के लिए। लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हम उससे गए थे मेरे ख्याल से, जो उलन खटोला चलता है ना, चेयर कार, कौन सी कार चलती है यार वो, जो भी चलती है ट्रेल 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 जो भी चलती है। पर आज हम जा रहे हैं भाई रोड, पिछली बार हम गाड़ी खड़ी करके चले गए थे हम भाई, अरे धर्मशाला वहां लगा के हमने वो ले ली थी। धर्मशाला तो अभी पहुंचे नहीं ना, उसके तो अभी धर्मशाला तो हम पहुंचे ही नहीं यार, कैसी बातें करते हो। धर्मशाला तो गाड़ी से जाएंगे ना, अभी तो धर्मशाला। तो भाई हम धर्मशाला जा रहे हैं, और ये है धर्मशाला जाने का बहुत बढ़िया सा रास्ता है। धर्मशाला में एंट्री हो गई हमारी, एंट्री मतलब धर्मशाला के रास्ते में एंट्री हो गई है भाई। धर्मशाला तो अभी भी फिर भी थोड़ी सी दूर है। धर्मशाला लो जी भाई, धर्मशाला की मार्केट इसे बोलते हैं, कोतवाली बाजार वहां रोड। गाड़ी यही लगानी पड़ेगी, गाड़ी तो नहीं लगेगी, लेकिन मार्केट देख लो, क्योंकि यहीं से हमें होते हुए जाना है ऊपर।
ऊपर मतलब मैकलोडगंज भाई, यही तो नहीं, यही भाई। देखो ये है धर्मशाला का मजा। अभी हम लोगों ने धर्मशाला अपनी गाड़ी पार्क की है, ये हमारी भाई पार्किंग है जहाँ हम अधिकतर पार्क करते हैं, यहाँ जगह वरना पार्किंग मिलती नहीं, तो भाई यहाँ पार्किंग कर दी है। और ये नीचे मार्केट है पूरी जहाँ हमें जाना है अभी, और फिर उसके बाद जो ऊपर देख रहे हो आप वो सामने वो है मैकलोडगंज, जहाँ हम जाएंगे मैकलोडगंज। वो देखा होगा चेयर का, यहाँ पर अपनी केबल कार भी चलती है, बट इस बार हम जाएंगे अपनी गाड़ी से मैकलोडगंज। और ऊपर देखो बादल, मस्त बादल आए हुए हैं, मौसम बहुत बढ़िया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो भाई बस इसी के लिए आए, अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन भरने। तो भाई देख लो और मजे लो आप भी। भाई धर्मशाला का हमारा काम हो गया कंप्लीट, और अब हम लोग जा रहे हैं पालमपुर, क्योंकि हम लोगों का प्लान था पहले यहीं रुकने का, लेकिन अब हम लोगों ने प्लान थोड़ा चेंज किया। अब हमारा प्लान यह है कि हम लोग निकलेंगे आगे, आगे मतलब पालमपुर, और वहीं जाके स्टे करेंगे। तो अब आपको मिलते हैं पालमपुर। तो भाई एक बार फिर से पहुंच चुके हैं होटल भगोरा हाइट्स पालमपुर, हर बार की तरह जैसा कि आपको बताया था भाई कि हम यहीं रुकते हैं पालमपुर में। तो भाई देख लो रूम बुक हो चुका है, होटल वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था, कोई चेंजेस नहीं है। तो भाई चलो कोई बात नहीं, चलते हैं रूम में। ये इनका रिसेप्शन है, पहले भी दिखाया हुआ है, पार्किंग का बहुत ही बढ़िया स्पेस है, खाना बहुत बढ़िया है। एक ही चीज है भाई, हर बार वही बताते हैं, कभी भी आओ यहाँ रुको, एंजॉय करो, खाना बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, एंजॉय। बाकी सुबह दिखाएंगे हम आपको इसके पूरे होटल के किस तरीके के व्यू हैं और किस तरीके का पूरा होटल का टूर कराएंगे आपको रूम टूर के साथ। ये देखो ये आ गया हमारा भगोरा हाइट्स, होटल भगोरा हाइट्स पालमपुर। बहुत ही अच्छा व्यू है यार, रात को भी बहुत बढ़िया। ये देखिए और भाई ये गार्डन है इनका, मस्त। तो भाई हम तो जब भी आते हैं ये रुकते हैं, हमेशा आपको दिखाते हैं, हमेशा आपको बोलते हैं कि यहाँ आओ रुको, बढ़िया रूम है, फर्स्ट क्लास, मजे से। रूम से ज्यादा प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, सुबह सुबह उठो जो सनराइज है वो बहुत बढ़िया दिखता है यहाँ से, और पहाड़ी पहाड़ है चारों तरफ देखने के लिए, ऊपर से बीच में एकदम ये प्रॉपर्टी, सामने पहाड़। जब सुबह उठोगे 4-4:30 बजे आपको सामने से बिल्कुल सनराइज दिखेगा, जो बहुत ही मस्त होता है। तो भाई हम तो इसलिए यहाँ रुकते हैं नेचर का मजा लेने के लिए, बाकी रूम तो जैसे सबके होते हैं वैसे ही हैं, नॉर्मल रूम है, बट सिर्फ मजा नेचर का और व्यूज का। और बाकी हाँ एक चीज और भाई, खाना बहुत बढ़िया, खाने के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं। तो भाई यहाँ पर आओगे तो आपको खाने की इशू नहीं होगा, इनका खाना बहुत अच्छा है, ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया है, पोहा तो बहुत ही बढ़िया बनाते हैं ये लोग, और साथ में कॉफी, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हमारा यही रहता है। तो ये देखो, और साथ में पार्किंग बहुत बढ़िया मिल जाती है भाई, सेफ पार्किंग है, ये देखो अच्छी खासी बड़ी पार्किंग है भाई। तो देख लो जी, हम तो अभी रूम में जाने का मन ही नहीं है हमारा तो, क्योंकि हमारा तो मन है कि लॉन में घूमे नंगे पैर घास के ऊपर, साथ में गार्डन है। तो बस भाई सुबह रूम टूर भी करा देंगे आपको, क्योंकि अभी तो अंधेरा हो रहा है, क्या रूम टूर कराएं। ये इनका कॉटेज है, कभी कभी हम लोग ये भी ले लेते हैं जब ज्यादा लोग होते हैं तो, अदरवाइज ये यहां पर इनका एक रूम है जो स्वीट रूम है, और वो रूम है हमारा सिंगल मतलब डबल रूम, नॉर्मल रूम। तो चलो जी सुबह एक बार कराएंगे आपको रूम टूम, अभी नाइट व्यू हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रॉपर्टी के, जिसका नाम है होटल भगोरा हाइट्स। कराते हैं रूम टूर, इनका एग्जीक्यूटिव रूम कैसा है दिखाते हैं जो भी हम लोग लेंगे। और ये आ गई जी इनकी लिफ्ट, ये है इनका रेस्टोरेंट एरिया। और ये आ गई लिफ्ट, चलें जी टूर कर लीजिए हमारा रूम नंबर 301। एज यूजुअल स्पेस फॉर लगेज अलमीरा, मिनी फ्रिज, कॉफी मेकर, अच्छा डिसेंट रूम है भाई बहुत बढ़िया। और वो सामने सीटिंग एरिया, डेस्क, राइटिंग डेस्क, ये सीटिंग एरिया हो गया। पर अब मैं बालकनी भी दिखा देता हूँ आपको, दिस इज द बालकनी।
छोटी सी बालकनी है लेकिन बढ़िया है। और यहां से व्यू ये देखिए, तो बढ़िया रूम है। कभी भी आए स्टे करें, फैमिली के साथ एंजॉय करें। और एक बार मैं आपको वॉशरूम भी दिखा देता हूं। डिसेंट वॉशरूम है, बड़ा सा वॉशरूम है। तो जैसा पहले भी बताया, होटल भगोरा हाइट्स पालनपुर। तो ये है भाई छत का एरिया, और सामने जो बिल्कुल अभी अंधेरा दिख रहा है रात के टाइम, यहां से सुबह सुबह 4 बजे जो सनराइज होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। और ये सबकी बालकनीज हैं, ये देखिए, ये सारे रूम्स की बालकनी है। जैसा अभी मैंने रूम दिखाई दिया आपको, और ये देखिए नीचे का रूम। तो बस भाई चलते हैं हम अपने रूम में, अब सामान लेके आ रहे हैं और मिलते हैं रूम में आपको, और सुबह एक बार मिलेंगे आपको जब सनराइज होगा यहाँ तब।